नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुणाल और आप देख रहे हैं आपका अपना क्लासरूम ज्ञान अभियान। चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हमारे पास फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फ्रैक्शन। फ्रैक्शन करके इसका जो है रूट से निकालना है। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास x² - 3x - 10 = 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका फैक्टर करना है और इसके रूट से निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं, लिखते हैं इसका सॉल्यूशन x² - अब क्या करना है, ये इस जगह पे जो होता है और यहाँ पे जो नंबर्स होता है, इन दोनों नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका प्राइम फैक्टर करते हैं और उसका इस तरह से पेयर बनाते हैं, उसको प्लस और माइनस करने के बाद -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 10 और यहाँ 1 है, तो ये हो जाएगा 10। अब 10 का फैक्टर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 5 10, ये हो गया प्राइम फैक्टर। अब क्या करना है, इस 2 और इस 5 को इस तरह से प्लस माइनस में लिखने हैं कि ये -3 आ जाए। तो क्या करेंगे, +2 - 5 अगर करते हैं तो ये हो जाता है -3। तो इसी चीज को यहाँ लिखना है। अब +2x - 5x - 10 = 0 हमने लिख लिया ये वाला चीज। अब क्या करना है, आगे सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों में देखते हैं क्या कॉमन है, x² और 2x में क्या कॉमन है। x हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बच जा रहा है x और यहाँ पे बच जा रहा है प्लस का 2। अब यहाँ पे इन दोनों में देखते हैं -5x और -10, इसमें से अगर हम -5 कॉमन निकाल लेते हैं तो x + 2 ये भी हो जाएगा, क्योंकि -5 × +2 = 10 ये हो जा रहा है। अब इसके आगे लिखेंगे ये, अब यहाँ और यहाँ देखते हैं तो ये हो जाएगा x + 2 और इधर देखेंगे तो x - 5 = 0। ठीक है, अब इसके आगे लिखेंगे ऐसे x + 2 = 0 और इधर हो जाएगा x - 5 = 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा x = -2 और इधर हो जाएगा x = 5। तो x के दो वैल्यू हमारे पास आ गए, -2 और 5, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट, उम्मीद है समझ में आ रखा होगा। अब चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 2x² + x - 6। 2x² + x - 6 = 0 ये हमारे पास क्वेश्चन है। 2x² + x - 6 = 0 अब क्या करना है, यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, यहाँ पे 6 और इस जगह पर 2 है, तो 6 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6 × 2 = 12। अब इसका फिर से फैक्टर करेंगे तो हो जाएगा 2 6 2 और ये 3। अब हमारे पास ये फैक्टर आ रहा है, अब इसको इस तरह से लिख लेना है 2 × 2 × 3 हमारे पास ये आ रहा है। तो अब इसका पेयर बना लेते हैं इस तरह से कि हम ये प्लस माइनस करने के बाद ये आ जाए। तो इसको +4 - 3 लिख सकते हैं, +4 - 3 तो हो जाएगा प्लस एक्स। देखिए कैसे, ये हो जाएगा 2x² और यहाँ पे लिख लेंगे +4x - 3x - 6 = 0। इन दोनों को जब देखेंगे 2x² + 4x, तो इसमें कॉमन क्या निकल के आएगा, 2x। तो 2x हमने ये ले लिया 2x। अब क्या बच जा रहा है यहाँ पे, 2x² में से 2x अगर हम निकाल लेते हैं तो सिर्फ बचेगा x, और +4x में से अगर 2x निकाल लेते हैं तो बच जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से ये माइनस यहाँ ले लेंगे और ये 3 और यह 6, इन दोनों में कॉमन है 3, तो हमने 3 कॉमन निकाल लिया तो x और ये भी बच जाएगा +2 = 0। अब दोनों ब्रैकेट में सेम है तो लिख लिया x + 2 और फिर ये 2x - 3 = 0। अब इसको दो पार्ट में कर लेंगे, x + 2 = 0 और इधर हो जाएगा 2x - 3 = 0। ठीक है, अब ये हो जाएगा x = +2, दूसरे साइड जाएंगे -2, इधर 2x = 3, x = 3/2। तो हमारे पास x का दो वैल्यू आ गया, -2 और 3/2, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये सेकेंड पार्ट भी हो गया कंप्लीट, उम्मीद है सेकेंड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट हमारे पास है √2x² + 7x + 5 √2 = 0।
ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं रूट टू और फाइव रूट टू, ए हमारे पास रूट टू है और सी हमारे पास फाइव रूट टू है। तो अब इसको कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा रूट टू इंटू फाइव रूट टू इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू फाइव, रूट टू इंटू रूट टू इक्वल टू टू और ये फाइव, तो हमारे पास ये फैक्टर आ जा रहे हैं। ठीक है, अब इस फाइव और टू को इस तरह से लिखना है कि सेवन हो जाए, तो फाइव प्लस टू इक्वल टू सेवन हो जाएगा, टू प्लस फाइव इक्वल टू सेवन। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस फाइव रूट टू इक्वल टू जीरो। अब यहां से कॉमन निकाल लेते हैं रूट टू, रूट टू निकाल लिया और साथ में एक्स भी निकाल लेंगे तो बच जाएगा एक्स प्लस में रूट टू। ठीक है, क्योंकि रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो टू हो जाता है, उसी तरह से टू से अगर रूट टू निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, रूट टू बचेगा, प्लस यहां से फाइव कॉमन निकाला तो ये भी हो जाएगा एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो। ये हो जा रहा है एक्स प्लस रूट टू और इधर ये हो जा रहा है रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। ये हो गया एक्स प्लस रूट टू इक्वल टू जीरो और ये हो गया रूट टू एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू हो गया माइनस रूट टू और इधर हो गया रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस फाइव अपॉन रूट टू। यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू हमारे पास हो गया माइनस रूट टू और कोमा माइनस फाइव अपॉन रूट टू, ये हो गया आंसर। तो एक्स के ये वैल्यू हमारे निकल के आ गए। तो उम्मीद है थर्ड पार्ट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन अपॉन एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो चलिए अब इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ वन अपॉन एट है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए कि ये नीचे जो एट है इसको हटा लेना चाहिए। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आएगा एट, ये हो जाएगा एट टू जो सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। इस एट को अब इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा जीरो, तो बचा सिक्सटीन एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब ये हमारे पास ये चीज आ गया। अब इसको क्या करना है, इसी तरह से फैक्टर करेंगे आप 16 का, 16 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वन जा 16, अब 16 का फैक्टर कर लेंगे तो 16 का फैक्टर अगर हम करते हैं तो ये हो जाता है 2 और 8, 2 और 4, तो ये 4 प्लस 4 करेंगे तो हो जाएगा 8। तो यहाँ ले लेते हैं 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब यहां से कॉमन निकाल लिया हमने 4 और x, तो ये हो जाएगा 4x और माइनस वन, और यहां से निकाल लिया माइनस वन कॉमन तो ये हो जाएगा 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया 4x माइनस वन और इधर फिर ये हो गया 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये भी 4x माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू हो जाएगा, ये माइनस वन है तो इधर जाएगा तो प्लस का वन हो जाएगा और ये फोर मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में वन अपॉन फोर, ये भी हो जाएगा एक्स इक्वल टू वन अपॉन फोर। तो एक्स का वैल्यू ये आ गया वन अपॉन फोर। ठीक है, तो उम्मीद है ये फोर्थ पार्ट समझ में आ गया होगा। अब चलिए फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फिफ्थ पार्ट हमारे पास है हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे सेम वैसे करना है, हंड्रेड और वन को मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड हो गया, अब उसका फैक्टर कर लेना है, हंड्रेड का फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा फिफ्टी, फिर टू से ये ट्वेंटी फाइव, फिर फाइव से तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, तो ये हो जाएगा फाइव टू जा टेन, फाइव टू जा टेन, टेन प्लस टेन अगर लेते हैं तो ये हो जाएगा ट्वेंटी और टेन को टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा हंड्रेड। तो यहाँ लिखेंगे हंड्रेड एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स माइनस टेन एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसमें से कॉमन निकाल लिया हंड्रेड एक्स स्क्वायर और टेन एक्स में से क्या कॉमन निकल के आएगा हमारे पास, टेन एक्स कॉमन निकल के आ जाएगा, ये बचेगा टेन एक्स माइनस वन और यहाँ से माइनस वन कॉमन निकाल लेंगे तो टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो गया टेन एक्स माइनस वन, दूसरे ब्रैकेट में भी हो जाएगा टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हो गया टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो और ये भी हो जाएगा टेन एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो। ये हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू वन, एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन और यहाँ भी हो जाएगा टेन एक्स इक्वल टू
वन एक्स इक्वल टू वन अपॉन टेन, तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 1/10, 1/10, ये हो गया हमारा आंसर। तो ये फिफ्थ पार्ट हो गया कंप्लीट। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझने में आपको बहुत ही आसानी हुई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।